हेलो एवरीवन दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ बीबीए सीरीज के अंदर आपने पिछले पांच वीडियो जरूर से देख ली होगी। अगर आपने पिछले पांच वीडियो देखे हैं तो अब हम आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अब हम कटिंग लेंथ वगैरह फाइंड आउट करने वाले हैं अब आगे की सीरीज के अंदर। लेकिन इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली हम थोड़ा सा स्टीरअप्स के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, स्टीरअप्स के लेग्स के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसको एज अ कंसेप्ट नहीं समझते, ध्यान नहीं देते। और अगर आप इसको ध्यान नहीं दोगे तो आगे जो हमें कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप्स निकालनी है उसमें भी आपको समझ में नहीं आएगा। इससे को दोस्तों आज का टाइटल आपको दिख रहा होगा, टाइप्स स्टीरअप्स टाइप्स बेस्ड ऑन लेग्स। ठीक है, तो यहां पर हम वन लेग, टू लेग, थ्री लेग, और ये आपको ड्रॉइंग के अंदर भी 1L 2L इस तरीके से दिख रहा होगा। तो 2L का मतलब क्या होता है, टू लेग स्टीरअप्स स्टीरअप्स। और ऐसी कुछ हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं भाई। वैसे तो सबको पता होगा स्टीरअप्स किसको बोलते हैं ना, अगर किसी को नहीं पता भाई स्टीरअप्स किसको बोलते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा फिगर हमने रिप्रेजेंट और शो कर दिया है। ये बीम है उसका ये वाला जो हिस्सा, जो मेन रेनफोर्समेंट, जो ऊपर वाले और नीचे वाले, ठीक है ना, ऊपर वाले और नीचे वाले। देखो ये है हमारे रेनफोर्समेंट, ऊपर में कौन से हो गए दोस्तों, ऊपर में जनरली हमारे पास हो गए कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। मैंने आपको ये बहुत अच्छा बीम वाले सेक्शन में समझा दिया है कि बीम के अंदर ऊपर जनरली कंप्रेशन होता है, नीचे टेंशन होता है, और नीचे वाले कौन से हैं, टेंशन रेनफोर्समेंट। और ऑब्वियस बात है ना, ऊपर नीचे आपने मेन रेनफोर्समेंट तो रख दिया, अब इसको पकड़ के रखना पड़ेगा ना, क्योंकि स्ट्रेस तो आ ही सकता है। तो उसको पकड़ के रखने के लिए फिर हम क्या करते हैं भाई, इसको जोड़ देते हैं ना इस तरीके से। यहाँ पर आप देख रहे हो उसके इतने सारे स्टीरअप्स यहाँ पर है, ठीक है ना, मतलब सभी को पता होगा स्टीरअप्स। अगर नहीं पता तो भी मैंने आपको यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से समझा दिया। तो अब ये जो स्टीरअप्स है ना, आगे हमारी वीडियोस के अंदर हम इन स्टीरअप्स का क्या देखने वाले हैं, इन वीडियोस के अंदर आगे हम स्टीरअप्स का कटिंग लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो कटिंग लेंथ से पहले मैंने सोचा कि एक टॉपिक बना लें तो जिसमें आपको स्टीरअप्स की जानकारी हो कि वन लेग स्टीरअप्स किसे कहते हैं, टू लेग स्टीरअप्स। तो स्टीरअप्स सबको पता चल गया भाई, ये रिंग, आसान भाषा में तो क्या बोले, रिंग। ठीक है, ये रिंग आपको दिख रही है, ये स्टीरअप्स है। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं वन लेग स्टीरअप्स की, बहुत कम इस्तेमाल होती है, लेकिन ये समझाने के लिए आपको बता दी। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये दो हमारे रेनफोर्समेंट है, मेन रेनफोर्समेंट, इसको जकड़ने के लिए, इसको बांधने के लिए, है ना, हाँ बांधना सही वर्ड होगा, इसको जकड़ने के लिए, इसको बांधने के लिए यहाँ पर है सिंगल लेग, सिंगल लेग स्टीरअप, वन लेग स्टीरअप कोई बोल सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से मोस्ट पॉपुलर अगर हम बात करें तो दिस इज टू लेग स्टीरअप्स, आप देख रहे हो दिस इज वन लेग, दिस इज टू लेग। ठीक है, टू लेग स्टीरअप्स यानी कि जो हमारी रेगुलर स्टीरअप्स है, जिसको हम रेक्टेंगुलर स्टीरअप्स के नाम से भी जानते हैं, दिस इज कॉल्ड टू लेग स्टीरअप, दो लेग है इसके। ठीक है, तो टू लेग स्टीरअप्स। अब इसमें ये टू लेग स्टीरअप्स के भी हम प्रकार देखने जाए तो भाई ये आपको ओपन लूप स्टीरअप्स है ना, इसके भी क्या है, टू लेग, ये एक लेग हो गया, ये दूसरा लेग हो गया भाई, यहां पर फोकस कर गया। ठीक है, तो ये एक लेग हो गया, ये यहाँ पर दूसरा लेग हो गया, तो दो ये, लेकिन ऊपर से क्या खुली हुई है ना, ऊपर से देखो खुली हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन लूप, ये लूप कंप्लीट नहीं हो, ओपन लूप स्टीरअप। इसी तरीके से ये आइडेंटिकल हमारी 135 डिग्री हुक। और भाई अगर तुम कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो मैं आपको पहले भी बहुत बार समझा चुका हूँ, 135 डिग्री का क्या होना चाहिए, हुक होना चाहिए। ठीक है, हुक लेंथ मस्ट बी 135 डिग्री। तो क्लोज, इसको क्लोज है ना, क्योंकि कंप्लीट हो गया और 135 डिग्री से बांध भी दिया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, क्लोज लूप स्टीरअप्स 135 डिग्री। अब देखो यार, मैं आपको सभी लोग यहां ध्यान देंगे, ये 135 कोई को समझ में नहीं आता, बस लोग खाली बोलते रहते हैं। ठीक है, 135 मैंने आपको पहले भी समझाया है, अगर आप वीडियो सिक्वेंस में देखते हो ना कि भाई ये 135 कैसे है, हमको तो नहीं 130, कैसे 135, इसमें कोई बोलेगा कहाँ है, कौन सा 135 डिग्री का एंगल है, कौन सा 135 डिग्री का एंगल है। तो इसको जरा ध्यान से समझे दोस्तों, ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो स्टीरअप्स का कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है, चलो पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब ये 135 डिग्री कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ये 135 डिग्री कैसे, जरा इसको ध्यान से देखिए, ये रहा दोस्तों आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन के कंपेयर में ये यहां से मुड़ जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये यहां से मुड़ जाएगा कुछ इस तरीके से। हॉरिजॉन्टल के कंपेयर में, किसके कंपेयर में दोस्तों, हॉरिजॉन्टल के कंपेयर में देखो, अगर इसको रखते तो सीधा रख देते, ठीक है, या तो फिर इस तरीके से मुड़ा हुआ था। हॉरिजॉन्टल के कंपेयर में यहां से यहां कितना डिग्री बन गया दोस्तों,
यहाँ से यहाँ बन गया 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के कंपेयर में दिस इज 90 डिग्री, हॉरिजॉन्टल के कंपेयर में दिस इज 90 डिग्री। एंड दिस डिग्री, ऑब्वियस बात है ना कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए और 90 डिग्री लगेगा, है ना। अगर यहां तक पहुंचने में तो क्या लगता है, 90 डिग्री लगता है। लेकिन ये तो यहां तक नहीं मुड़ा हुआ, ये तो आधी तक मुड़ा हुआ है, ऐसा अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते थे। तो अप्रोक्सीमेटली दिस डिग्री विल बी 45 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली दिस डिग्री विल बी 45 डिग्री। ये इसको एक बहुत आसान तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं, देखो, है ना, ये बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे विजुलाइजेशन बहुत आसान होगा। इसको ऐसा मोड़ा कैसे गया होगा, इसको जरा सोचो, ये बार को हमने ऐसा मोड़ा कैसे होगा। ये बार पहले कुछ ऐसा होगा ना, ये बार कुछ पहले ऐसा होगा। जब ऐसा है तो भाई हम इसमें कोई मोड़ना है, भाई सिंगल बार खड़ा हुआ, इसमें कोई मोड़ना है। अगर इसको मोड़ते 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 मोड़ते, है ना, जरा ये पॉइंट ऑफ व्यू और ये प्रोस्पेक्टिव बहुत अच्छा है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से, इसको क्या कहता है, सीधा था, इसको मोड़ते 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 हमने ऐसा कर दिया, इसको मोड़ते 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 यहाँ पर अलग कलर का इस्तेमाल करता, ऐसा कर दिया, यानी कि इसको मोड़ा यहाँ से कुछ ऐसे। तो ये जो हमने मोड़ा है भाई, ये कितने डिग्री का मोड़ना हुआ, ये 90 डिग्री का मोड़ना हुआ। ये बार को ऐसे मोड़ दिया, कितने डिग्री, अगर ऐसे मोड़ो तो 90 डिग्री। लेकिन अब इसको 90 डिग्री से ज्यादा और मोड़ दिया, और कितना मोड़ दिया, 45 डिग्री, ये जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है, समझ रहे हो। सो दिस एंगल इज 135 डिग्री। अब तो बहुत आसान से समझ में आ गया होगा, सीधे बार को ये जो हमने मोड़ा है, दिस इज 135 डिग्री, ये कितना हो गया दोस्तों, 45 डिग्री, ये हो गया दोस्तों 45 डिग्री। तो 90 और 45 कितने होते हैं, 90 प्लस 45, इट इज इक्वल टू 135। अब समझ में आया दोस्तों, ये हमने क्यों ऐसा 135 डिग्री बोला, बहुत आसानी से समझा है, सीधा बार था, इसको अगर हम ऐसे कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल में मोड़ते, यानी 90 डिग्री पे, लेकिन हमने इसको और ज़्यादा 45 डिग्री मोड़ा है, तो ये कितना है दोस्तों, 135 डिग्री का मोड़ना। तो अब समझ में आया कि ये वाला जो बार है भाई, ये वाला जो बार है, ये यहाँ से मुड़ा कुछ ऐसे 135 डिग्री, और ये वाला जो बार है जो कि ऐसे आ रहा है सीधा, इसको हमने कुछ ऐसे मोड़ा, तब जाके ये बना हुक 135 डिग्री का, 135 डिग्री। अब चलो वो वाले जो बार है उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेते हैं, ना। तो ये जो बार था ये कुछ ऐसा था, ये बार कुछ ऐसा था, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com, आप एप्लीकेशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड नाउ। अब इस बार को कुछ ऐसे मोड़ा गया, इस बार को कुछ ऐसे मोड़ा गया, आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। यही है, जब इन दोनों को साथ में बना देंगे तो यही हुक बन जाएगा, यही क्या बन जाएगा, हुक बन जाएगा। अब चलो समझते हैं, अब ये बार को जिसको हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा था, अगर मैं इसको 90 डिग्री मोड़ता, ठीक है, तो कितना होता दोस्तों, चलो इसका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे समझो, 135 डिग्री का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे समझो, ठीक है ना। अल्टीमेटली हमने यहां से मोड़ा और कुछ ऐसे किए, ऑब्वियस बात है, इसी वजह से हमें डिडक्शन करना होता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, इलिंगेशन होता है, और मैं इससे पहले समझा चुका हूं 3D 2D वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, और यहाँ पर आगे मैं उसको जाके क्लियर भी करूँगा कहाँ पर ऐड करना होता है, कहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये, ठीक है।
एंगल को समझते दोस्तों, एंगल को समझते। यहां से अगर हम इसको वर्टिकल के कंपेयर में देखें, सो दिस इज 90 डिग्री वर्टिकल के कंपेयर में, है ना। इसको हम ऐसे कर सकते, मोड़ सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा ये और मुड़ा हुआ है। कितना मुड़ा हुआ है? 90 डिग्री से ज्यादा ये और मुड़ा हुआ है। अगर हम यहां पर पैरेलल एंगल कंसीडर करें, सो दिस इज 45 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, हॉरिजॉन्टल के कंपेयर में कितना मुड़ा हुआ है? 45 डिग्री। यहां पर भी आप दोस्तों देख सकते हो, 90 प्लस 45 करोगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 135 डिग्री। एक हुक हमारा यहां से आ गया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के कंपेयर में 135 डिग्री, ठीक है, और एक हुक हमारा यहां से आ गया हॉरिजॉन्टल, ये भी आप देख सकते हो वर्टिकल के कंपेयर में ही 45 डिग्री। और इन दोनों को जुड़ने से हमारी 135 डिग्री की हुक बनती है। मैं यहां पर इलेबोरेशन इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये 135 डिग्री वाला ठीक है, अब नहीं समझते हो क्या ही फर्क है। मैं यहां पर इलेबोरेशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे कटिंग लेंथ में हमें बहुत बहुत बार इस टाइप से देखने को मिलेगा, और वहां पर मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि 135 डिग्री का हुक है तो मैं इतना ऐड कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब कोई वहां पर यह सवाल लग रहे कि सर ये 135 कैसा है, इसलिए मैंने आपको यहीं पर क्लियर कर दिया और बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको क्लियर किया। 135 90 प्लस 45, 135 90 प्लस 45, बहुत अच्छे अंदाज में आपको यहां पर क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए, सो ये 135 डिग्री का हुक है। अब जब भी आएगा तो इसके अंदर कुछ एडिशन होगा, कुछ सब्ट्रैक्शन होगा, उसको हम आगे क्लियर। और ये तो दोस्तों बहुत इजी है, 90 डिग्री का हुक, ये यहां से यूं मुड़ गया, ये यहां से यूं मुड़ गया, यहां, हाँ अच्छा, यहां से भी आप प्रोस्पेक्टिव समझ सकते हो दोस्तों, यहां से भी आप प्रोस्पेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकते हो। ये यहां से ऐसा मुड़ गया और ये यहां से 90 डिग्री था लेकिन हमने और मोड़ा, हाँ, तो आप देख सकते हो, देखो मैंने पहले ही समझाया कि 90 डिग्री और मोड़ दिया हमने 45 डिग्री, तो ये हो गया दोस्तों 135 डिग्री। सो उम्मीद करता हूँ ये टू लेग स्टीरअप्स के बहाने से हमने 135 डिग्री का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, क्योंकि मुझे पता आगे क्या होने वाला है, इसलिए मैंने यहां पर बहुत जोर दिया। दिस इज कॉल्ड 135 डिग्री हुक, आगे बहुत बार आएगा और हम वहां पर 135 डिग्री हुक के हिसाब से कुछ एडिशन करेंगे और कुछ सब्ट्रैक्शन करेंगे, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। नाउ दिस इज दोस्तों चार लेग स्टिरअप्स, ठीक है, टू लेग स्टिरअप्स का उम्मीद करता हूं फंडा सबको क्लियर हो गया। दिस इज कॉल्ड चार लेग, एक दो तीन चार, बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, एक दो तीन चार, दिस इज कॉल्ड। अच्छा, इसको भी चार लेग स्टिरअप्स बोलेंगे, इसमें बीच में आपको डायमंड स्टिरअप्स दिख रही होगी। कौन सी भाई, कौन सी स्टिरअप दिख रही होगी बीच में आपको? डायमंड स्टिरअप। सर क्यों आप ये सब बोल रहे हो? क्योंकि मैं आगे डायमंड स्टिरअप्स की कटिंग लेंथ बताने वाला हूं, तो इसको विजुलाइज कर लेना डायमंड। हालांकि वहां पर भी फिगर होगा, ठीक है, लेकिन ये डायमंड स्टिरअप्स कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी बीच में। अच्छा, इसके चार लेग कैसे हुए भाई? तो इसके दो, ये डायमंड वाले के दो, और ये तो क्लोज हमारी 135 डिग्री वाली आपको दिख रही है बीच, उसके दो, दो और दो चार, सिंपल चीज है। और यहां पर हमने अलग से मेंशन भी कर दिया लेग वन, लेग टू, लेग थ्री एंड लेग फोर, सारे देख सकते हो आप, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड फोर लेग स्टिरअप्स। फाइव लेग स्टिरअप्स भी होती है, हाँ भाई, फाइव लेग स्टिरअप्स भी होती है, ठीक है। सिक्स लेग स्टिरअप्स भी आपको देखने को मिलेगी, सेवन लेग स्टिरअप्स भी आपको अलग अलग आपको देखने को मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चरल डिजाइन। ये सारी चीजें आपको ड्राइंग के अंदर भी देखने को मिलेगी, आपको इसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना होगा। सो फाइव लेग स्टिरअप्स, एक दो तीन चार और पांच, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, इट इज वेरी वेरी इजी एंड सिंपल। हाउ मैनी स्टिरअप्स भाई, यहां पर कितनी स्टिरअप्स है ये मैं नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट। अब ये यहां पर कितनी स्टिरअप्स है, तो वीडियो के नीचे दोस्तों आपको एक कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, वहां पर कमेंट करिए कि भाई कितनी स्टिरअप्स यहां पर है, ठीक है, वहां पर हाउ मैनी स्टिरअप्स कमेंट कर दीजिए, और सब लोग आपस में एक दूसरे का आंसर वेरीफाई करेंगे, और सही होगा तो उसको मैं यहां से अप्रूव भी कर दूंगा। सो सब लोग कमेंट जरूर से करिए, हाउ मैनी स्टिरअप्स, कितनी यहां पर नंबर ऑफ स्टिरअप्स है, कमेंट करिए वीडियो के नीचे, कमेंट बॉक्स आपको दिख रहा होगा वहां पर जाकर।
तो उम्मीद करता हूँ ये स्टीरअप्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो फंडा है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 135 डिग्री हुक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे दोस्तों हम कटिंग लेंथ की तरफ बढ़ेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifyacademy.com, आप एप्लीकेशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।